सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और क्लिक करिए बेल आइकन को न्यू नोटिफिकेशन के लिए। अलीग यस क्लासेस में आप सभी का वेलकम, स्वागत और खैर मकदम करता हूं और शुरू करता हूं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि बीएचयू ने क्लास 11th साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स के एक टेंटेटिव मेरिट लिस्ट को डिक्लेयर कर दिया है। ये क्या है टेंटेटिव मेरिट लिस्ट, कितने लोगों को यहाँ यानी कि इसमें एडमिशन मिलने के चांसेस हैं, और इस बार जो बीएचयू ने जो एडवर्टीजमेंट दिया था उसमें कितनी सीट्स हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो रिजल्ट देखने के लिए यानी कि टेंटेटिव मेरिट लिस्ट देखने के लिए आप इस वेब पोर्टल पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए स्कूल एंट्रेंस टेस्ट दिया है। टेंटेटिव मेरिट लिस्ट ऑफ क्लास 11th मैथ्स कॉमर्स एंड आर्ट्स बायोलॉजी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए ये मेरिट लिस्ट खुलकर आएगा। ये सब दिया हुआ है आर्ट्स एंड कॉमर्स क्लास 11th बॉयज, ये कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। फिर वह यहाँ पे 11th कॉमर्स क्लास 11th गर्ल्स, 11th बायोलॉजी बॉयज, बायोलॉजी क्लास 11th गर्ल्स, और यहाँ पे देखिए मैथ क्लास 11th बॉयज, मैथ क्लास 11th गर्ल्स। मैं एक किसी को आपको ये टेंटेटिव मेरिट लिस्ट को खोलकर दिखा दे रहा हूँ और आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। आइए देखते हैं कि अनरिजर्व में देखिए बॉयज मैथ्स का अनरिजर्व में जो रिजल्ट है वो इस तरह से है। रिजल्ट बल्कि मत कहिए, इसे आप टेंटेटिव मेरिट लिस्ट कहिए, क्योंकि इसमें जो इस बार एडवर्टीजमेंट हुआ है सीट्स बेहद कम है। इस वजह से कौन लोग ये श्योर समझ सकते हैं इसके बारे में कहना बेहद मुश्किल है। टॉप के कुछ ही लोग समझ सकते हैं कि इसमें कैटेगरीज भी हैं और टोटल सीट्स बहुत कम हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है मेरिट लिस्ट जो इन्होंने बनाया है, तो जितने भी एप्लीकेंट थे सबकी मेरिट लिस्ट बनी हुई है और ये 193 पेज में है। यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी, नेम, और यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेंड एग्रीगेट, और ये परसेंटेज टॉप की परसेंटेज है सबसे 99.667। और दूसरी बात ये कहनी है कि ये आप देख लीजिए, अगर आपको ये लगता है कि हमारा परसेंटेज कुछ और आना चाहिए था, यानी कि अगर यहाँ पे परसेंटेज निकालने में किसी तरह का कोई फॉल्ट हुआ हो, कोई एरर हुआ हो, तो आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। इसके लिए भी बीएचयू ने नोटिफिकेशन किया है। देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोटिस फॉर द एप्लीकेंट्स फॉर क्लास 11th के लिए, ये यहाँ पे इन्होंने दिया है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो खुलकर आएगा ये आएगा नोटिस। उसमें क्या दिया है, उसमें ये दिया है डियर एप्लीकेंट, इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द टेंटेटिव मेरिट लिस्ट यू आर रिक्वायर्ड टू रेज योर ऑब्जेक्शन, आप रेज कर सकते हैं। विथ एप्रोप्रिएट एविडेंस भी आपके पास होना चाहिए एंड योर रजिस्ट्रेशन आईडी टिल 3rd October 2020 एट 4:10 PM ऑन द ईमेल्स, यानी आज शाम के 4:30 बजे तक आप मेल कर सकते हैं अगर आपके परसेंटेज निकालने में कोई किसी तरह का फॉल्ट हुआ है। मैथ में अगर हुआ है किसी के साथ तो इस पे कर सकता है, ये मेल आईडी दिया हुआ है। अगर किसी को 11th बायोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्शन करना चाहता है, तो इस मेल आईडी पे अपने ऑब्जेक्शन को भेजे। और किसी को 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स में ऑब्जेक्शन रेज करना है तो वो इस ईमेल आईडी पे अपना मेल करेगा, ऑब्जेक्शन अपना भेजेगा। तो अब आइए मैं आपको दिखाता हूं कि किस में यानी कि किस कोर्स में कितनी सीट्स हैं। इस बार बीएचयू ने जो एडवर्टीजमेंट जो दिया था उसमें किसके लिए कितनी सीट्स थी।
देखिए ये BHU का एडवर्टीजमेंट है और इसमें मैं आपको सीट्स दिखला दूं, अवेलेबल सीट्स कितनी है, आइए देखते हैं। ये देखिए द मिनिमम नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स, ये CHGS यानी गर्ल्स के लिए है। गर्ल्स के लिए मैथ्स में कितनी सीट है, 17, बायोलॉजी में 16, 11th कॉमर्स में 25 एंड 11th आर्ट्स में 50। तो आप देख रहे हैं कि सीट्स कितनी कम है। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी जो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट आए हैं उसमें कई कैटेगरीज हैं। तो अब इसमें कौन लोग अपना कन्फर्म समझेंगे इसके बारे में कहना बेहद मुश्किल है। शुरू के टॉप 2-3 वही समझ सकते हैं कि हमारा किसी ना किसी तरह से हो सकता है कि जब फाइनल लिस्ट आए तो हमारा एडमिशन कन्फर्म हो जाए, यानी कि रिजल्ट जो फाइनल आए उसमें हमारा नाम हो। क्योंकि किस में कितनी सीट्स रिजर्व हैं, किस कैटेगरी में, इसको डिफाइन यहाँ पे नहीं किया गया है। उसी तरह से देखिए बॉयज़ के लिए मैथ्स में 38+50, इसमें थोड़ा सा कंडीशन है, कुल आप मिला के समझिए 88 सीट्स। बायोलॉजी में 25, 11th कॉमर्स में ऑनली 13 एंड 11th आर्ट्स में 12। तो बॉयज़ के लिए इतनी सीट्स हैं। तो अब लोगों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, सबके टेंटेटिव मेरिट लिस्ट हैं। तो आप इसे समझिए कि किन लोगों को एडमिशन मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि कैटेगरीज वाले भी हैं। तो सब में से इनको कुछ ना कुछ लेना है। अब कैटेगरीज में इन्होंने कितना रिजर्व कर रखा है और इन्होंने कहा था, बल्कि ये नोटिस निकाला था कि सबसे पहले हम रिजर्वेशन वालों को और उसमें भी स्टाफ के कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा वेटेज देंगे, अगर जब बचेगा फिर उसके बाद कैटेगरी वालों को और लास्ट में अनरिजर्व वालों को हम एडमिशन देंगे। तो आप इसे समझ सकते हैं कि अनरिजर्व में जो हो सकता है कि टॉप में 1-2 नंबर पे हो उसको ही एडमिशन मिलने की उम्मीद दिखती है। बहरहाल जब फाइनल रिजल्ट आएगा तभी आपको इसके बारे में पता चलेगा। अभी एक टेंटेटिव मेरिट लिस्ट दिया गया है जिसके बारे में मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।